ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट क्या है? दो वेक्टर्स हैं आपके, दिस इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, इट इज इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। अब ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है, बहुत ध्यान से समझना। दो वेक्टर में अलग अलग कलर्स के साथ बना रहा हूं, दोनों वेक्टर्स को डिफरेंट कलर के साथ, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है? दिस इज योर ए वेक्टर, मैंने ग्रीन कलर में इसे ड्रॉ किया है, दिस इज बी वेक्टर, रेड कलर से ड्रॉ किया है, एंड दे आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, एक मैंने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है राइट एंगल बनाते हुए, इस परपेंडिकुलर का नाम फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने लिखा एन, क्लियरली विजिबल है सबको, आपने मोबाइल्स पर स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल है ना, यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्लियरली यस सर, ओके। ठीक है, अब देखना जरा इस वेक्टर को, ए वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया ओपी से और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया ओ क्यू से, ये एन परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ओ एन, ये ग्रीन लाइन भी है और मैं इसके ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा हटा के लिख रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे, ये डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, एक ये एक वेक्टर बना दिया मैंने ओ एन। अब क्वेश्चन पूछने वाला हूं, देखो सो कॉल्ड होशियार बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, पूछ नहीं रहा बल्कि लिख रहा हूं, व्हाट इज ओ एन इन टर्म्स ऑफ बी, या मैं पहले और आसान कर दूं, इन टर्म्स ऑफ ओपी, व्हाट इज ओ एन इन टर्म्स ऑफ ओपी, जस्ट रेज योर हैंड्स। सर 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 पहले वाले का पता रहे सर, आपने पहले पूछा सर, बहुत अच्छा पता है, एक ही बात है, तो मैंने तो इसको और आसान कर दिया, ओ एन इन टर्म्स ऑफ ओपी और बी। चलिए आप आंसर दीजिए अपना, सर बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट या मतलब ओपी का कंपोनेंट। अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख दिया भैया, मैं इसको ओ क्यू लिखना चाहिए मुझे, इन टर्म्स ऑफ ओ क्यू। तो बात तो आपकी सही है लेकिन वो एक्स कंपोनेंट नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास, हमें नहीं पता कि पी वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में है, कुछ और बताइए क्या। हाँ बोलिए, हाँ क्या बोलिए, अलोंग द वेक्टर है, अलोंग वेक्टर है सर, ये सर ओ एन जो बी वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये ओ एन, ओ एन इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर के पैरेलल, ए वेक्टर के अलोंग बी वेक्टर का कंपोनेंट है ओ एन वेक्टर, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए यहाँ ओ एन वेक्टर,
ओ एन वैक्टर इज कंपोनेंट ऑफ बी वैक्टर अलॉन्ग ए वैक्टर, लेकिन मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है कि वो हाउ मच इज ओ, ओ एन है कितना, प्रखर बताइए ओ एन है कितना इन टर्म्स ओके ऑफ, कॉस थीटा बिल्कुल ओ क्यू कॉस थीटा, लेकिन ओ क्यू खुद क्या है, ओ क्यू खुद क्या है, ओ क्यू खुद ओ क्यू क्या है, सर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ओ क्यू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो आप ओ एन लिखेंगे क्या, बी कॉस थीटा, ओ एन इक्वल्स बी कॉस, तो ओ एन है एक्चुअली इन मैग्नीट्यूड, ओ एन इज बी कॉस थीटा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, एकदम से रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। आपने कहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, जरा देखें तो सही, इसमें ए क्या चीज है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैं इसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा क्या है, ओ एन, मैं इसको ओ एन लिख दूं, थोड़ा सा मैं इसको और चेंज कर रहा हूं, ओ एन एक्चुअली क्या है, ओ एन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन वैक्टर, ओ एन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन वैक्टर, मैंने जानबूझ करके ये वैक्टर का हेड और एरो और ये बना दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ए के ऊपर वेक्टर और फिर मॉडुलस के अंदर इसे बंद कर दिया, तो इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन वेक्टर, लेकिन ओ एन वेक्टर खुद अपने आप में ओ एन वेक्टर क्या है, ओ एन वेक्टर क्या है, ओ एन वेक्टर है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये क्या चीज है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, मॉडुलस तो मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने कंपोनेंट ले लिया पहले, बल्कि लगा दूसरे मॉडुलस। अब यहां देखिए आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए डॉट बी एक्चुअली क्या है, ए डॉट बी है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें किससे, मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट किसका कंपोनेंट, बी वेक्टर का कंपोनेंट, किस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, ए डॉट बी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ये बना आपका ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ओ एन वेक्टर, ओ एन वेक्टर क्या है, ओ एन वेक्टर अभी आपने बताया कि ओ एन वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब इसको दूसरी तरह से करेंगे हम, बहुत ध्यान से समझना बहुत ध्यान से समझना इसे, मैंने इसे ओ क्यू को आगे प्रोड्यूस कर लिया, और अब मैं पी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं मैं इस ओ क्यू प्रोड्यूस पर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो राइट एंगल पर मिल जाए,
यहां देखिए आपको राइट एंगल सा लग रहा है, ये राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब देखना मैं एक डॉटेड एरो बना रहा हूं ग्रीन पेन से, डॉटेड एरो बना रहा हूं ग्रीन पेन से, इस पॉइंट को मैं लिखता हूं, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट का नाम लिखा मैंने एम। और अब मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर आंसर दे सकते हैं, ज्यादातर आंसर दे सकते हैं। मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूं जैसे मैंने ये लिखा था, व्हाट इज ओ एन इन टर्म्स ऑफ ओ क्यू। अब मैं लिख रहा हूं क्या, व्हाट इज ओ एम इन टर्म्स ऑफ ओ पी और ए। ओ एम, ओ एम क्या है इस ओपी की टर्म्स में या ए वेक्टर की टर्म्स में? रेज योर हैंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई बच्चे आंसर इसका दे सकते हैं। वर्णिका आप बता रही हैं, आप बता रही हैं वर्णिका, व्हाट इज ओ एम इन टर्म्स ऑफ ओपी और ए, बताइए आप मुझे वर्णिका। जल्दी बोल रही हैं, जल्दबाजी मत कीजिए, फिर से बताइए। ओ एम इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, आगे अलोंग बी वेक्टर, बहुत बढ़िया, दिस इज द राइट आंसर। प्रखर आपका भी यही आंसर है, कुछ और है आप कहना चाहते हैं? सर यही है। ओके, ओ एम वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, और न्यूमेरिकली ओ एम कितना है, मैग्नीट्यूड में ओ एम कितना इन टर्म्स ऑफ ए, कौन बताएगा? इन टर्म्स ऑफ ए, ओ एम इन टर्म्स ऑफ ए मैथमेटिकली, मतलब मैग्नीट्यूड में कितना है, मैग्नीट्यूड में कितना है वर्णिका, आप ही बताइए मैग्नीट्यूड में कितना होगा ये? ए कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए कॉस थीटा। अब आ जाइए फिर से वापस ए डॉट बी पर, ए डॉट बी को मैं फिर से लिखता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बी इंटू ए कॉस थीटा। अब बी क्या चीज है, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम वेक्टर, एंड व्हाट इज ओ एम वेक्टर, ओ एम वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है चीज है, दिस इज मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किसका, क्या है ये, कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट बोलिए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, किसकी डायरेक्शन में है, अलोंग बी वेक्टर। तो दो रिजल्ट निकल कर आए, देखिए आप ध्यान से, दोनों ही आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूं, दोनों ही रिजल्ट आपके सामने है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, या ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। या तो ए का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसके साथ बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर, या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग। अब इन दोनों को मैं एक ही सेंटेंस में, इन दोनों को अगर मैं लिखना चाहूं, इन दोनों को मैं लिखना चाहूं एक ही सेंटेंस में, तो कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, देखिए बहुत सिंपल। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द, वन ऑफ द वेक्टर, बल्कि मैं मल्टीप्लीकेशन भी यहां से हटा दूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. जैसे यहां इसमें आपने क्या लिया, फर्स्ट वेक्टर को लिया है ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय अदर वेक्टर कौन सा बचा, बी वेक्टर, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में. या आपने अगर फर्स्ट वेक्टर बी वेक्टर लिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, अदर वेक्टर कौन सा बचा, ए वेक्टर बचा, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, बी वेक्टर की डायरेक्शन में. लेने क्या है, लेने सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड्स ही है, केवल मैग्नीट्यूड लेने, आपको वेक्टर नहीं लेने यहां पर. क्यों, क्योंकि ए डॉट बी आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है. क्लियर हो यहां तक की बात सारी.